न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बैंकों के एटीएम से धोखाधड़ी कर पैसा निकालने के आरोप में दो अभियुक्तों विजय यादव और फैज खान को सीसीटीवी के आधार पर राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 71,000 चोरी के नगद रुपए, 10 एटीएम कार्ड, 2 मोबाइल फोन, 1 चार पहिया वाहन, 1 दो पहिया वाहन किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। संतोष उर्फ सत्येंद्र की सहजनवा थाने की पुलिस ने ए प्रकार की खोली हिस्ट्री सीट। 8 से ज्यादा थे मुकदमे पंजीकृत, की जाएगी आपराधिक गतिविधियों पर निगरानी। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। रजिस्टर्ड कंपनी बनाकर 10 करोड़ से अधिक रुपए को हड़पने वाली शातिर अभियुक्ता को राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया खुलासा। सुरक्षा माह के अंतर्गत ट्रैफिक विभाग द्वारा चलाया गया ट्रैफिक जागरूकता अभियान। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 299 वाहनों का किया गया चालान, जिसमें प्रेशर हॉर्न, हूटर और सायरन लगे 11 वाहन भी रहे शामिल। जनवरी को लगने वाले मौनी अमावस्या में संगम तट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे की तैयारी हुई पूरी। चलाई जाएगी 2 जोड़ी माघ मेला स्पेशल पैसेंजर ट्रेन। सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। शहर व ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों की पीआरडी में भर्ती के लिए प्रांतीय रक्षक दल संगठन द्वारा विकास भवन में 13 जनवरी से दिया जा रहा है फॉर्म। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 24 जनवरी। शहर में 62 व ग्रामीण क्षेत्रों में 50 सीटों पर होगी भर्ती। माघ मेला के दौरान संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन निगम ने भी कसी कमर। 27 जनवरी तक चलाई जाएगी 380 विशेष बसें। गोरखपुर सहित 6 स्टेशनों का आगामी 40 से 50 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है रीडेवलपमेंट। गोंडा, छपरा, गोरखपुर, गोमती नगर, लखनऊ और काठगोदाम रेलवे स्टेशन है शामिल। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, कार्यदायी एजेंसी अगले सप्ताह महाप्रबंधक व अन्य अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करेगी मॉडल व डिजाइन। बुधवार को अभियान चलाकर हटाए गए बांसफोड़ों ने गुरुवार को सड़क के किनारे दोबारा दुकान लगाकर किया अतिक्रमण। गोरखपुर न्यूज के कैमरे में हुए कैद, पुलिस व नगर निगम के अधिकारियों ने साधी चुप्पी। अब खबरें विस्तार से। राजघाट थाने की पुलिस ने बैंक के एटीएम में फ्रॉड करने वाले 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को गोरक्षनाथ घाट पर से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान विजय यादव पुत्र अमत लाल निवासी सरसी देवशर जनपद कानपुर, दूसरा फैज खान पुत्र अयूब खान निवासी जंक्शन इनक्लेव कॉलोनी नियर गुलेरिया थाना पिपराई जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से 71,000 नगद चोरी के व धोखाधड़ी के रुपए, 10 एटीएम कार्ड, 2 मोबाइल फोन, 1 चार पहिया वाहन, 1 दो पहिया वाहन को बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि 12 जनवरी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा महवा चुंगी के शाखा प्रबंधक द्वारा विभिन्न एटीएम कार्ड के माध्यम से धोखाधड़ी कर गलत ढंग से पैसा निकालने वाले अज्ञात अभियुक्तगढ़ के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। इसके अतिरिक्त उक्त के संबंध में थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर व थाना कैंट में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राजघाट थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक संतोष सिंह, टीपी नगर चौकी प्रभारी कुंवर गौरव सिंह, कांस्टेबल पवन यादव, अशोक यादव, दीपक कुशवाहा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा,
ले जाइए। 10 एटीएम है ना? 10 एटीएम है, 2 है, 1 ब्रेजा है। जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना राजघाट को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने एक एटीएम फ्रॉड करने वाली एक ऐसी गैंग को पकड़ा है जो कि एसबीआई बैंक को लाखों रुपए का चूना लगा चुके हैं। इसमें फैज नाम का एक व्यक्ति और एक विजय यादव नाम के दो लोग हैं जो कि इंजीनियर हैं, एक मैकेनिकल इंजीनियर है और एक कंप्यूटर साइंस से पढ़ा लिखा है। ये दोनों लोग एटीएम एक्सिस बैंक का एटीएम यूज़ करते थे और एसबीआई बैंक की वो टेलर मशीन जिसके अंदर पैसा डिपॉजिट भी कराया जा सकता है और निकाला भी जा सकता है, उसमें से पहले अपने दोस्तों के माध्यम से उनका अकाउंट खुलवाते थे, उनको 2500 रुपये देते थे और उसके बाद में उसी एटीएम को यूज़ करके उसके खाते में पैसे डलवा के क्रेडिट करते थे और उसको फिर डेबिट करने के लिए इस तरह की मशीन पर जाते थे और 10000 रुपये का पर ट्रांसेक्शन करते थे और उसके बाद में वो पैसा निकाल जब ट्रांसेक्शन हो जाता था तब उसको पैसे को ले लेते थे और धीरे से जो स्लाइडिंग डोर है उसको धीरे से बंद करते थे उसी स्कीम के तहत, जिससे कि मशीन में ये ट्रांसेक्शन में ये नहीं हो पाता था कि पैसा डिलीवर हुआ है, बैंक को ये मैसेज चला जाता था कि पैसा नहीं डिलीवर हुआ है। उसके बेसिस पे बाद में कस्टमर केयर से वही अमाउंट जो निकाला गया है उसको वो रिक्लेम करते थे। इस तरीके से उन्होंने टोटल 5,99,000 रुपये का फ्रॉड एसबीआई बैंक के साथ अभी तक किया है। इसमें उन्होंने बेतियाहता से 1,69,000, राजेंद्र नगर से 1,80,000, हरबड़ बंदा से 1,80,000, जीरो पॉइंट कालेसर से 20,000 और कानपुर से भी इन्होंने पैसे निकाले हैं। तीसरा व्यक्ति जिसने इनको इस स्कीम की जानकारी दी, उदय नाम का, वो अभी भी फरार है, पुलिस उसकी गिरफ्त करेगी और उसके बाद में इन सभी लोगों पर गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत कर इनकी आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इनके पास से अभी तक एक ब्रेजा गाड़ी, एक एचएफ डिलक्स मोटरसाइकिल, 71,000 रुपये और 10 एटीएम विभिन्न बैंकों के और 2 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए हैं। बैंक को जब बार बार इस तरह के ट्रांसैक्शन होने लगे और तब बैंक ने एटीएम के माध्यम से पता किया, तब उनको कैमरे के माध्यम से पता चला कि इस तरह का फ्रॉड होता है। उन्होंने चौकी टीपी नगर पे और थाना राजघाट पे सूचना दी। इसी के तहत फिर चौकी प्रभारी एवं थाना राजघाट द्वारा तुरंत इसमें एक्शन में आए और उन्होंने विस्तृत रूप से इसकी जांच की और इतने अच्छे खुलासे के लिए थाना राजघाट की टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से 10,000 रुपये का इनाम भी दिया जाता है। इसकी भी पूछताछ की जाएगी और इसकी जानकारी आपको दी जाएगी। थैंक यू। सहजनवा थाने की पुलिस ने अभियुक्त संतोष उर्फ सत्येंद्र की हिस्ट्री शीट खोली, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि यह अभियुक्त शातिर अपराधी है जिसके ऊपर 8 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसकी पहचान संतोष उर्फ सत्येंद्र पुत्र भेल्लर उर्फ बाबूराम निवासी घगसरा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि अभियुक्त की हिस्ट्री शीट खोलकर उसके क्रियाकलापों पर निगरानी की जाएगी, जिससे अभियुक्त दूसरा कोई अपराध ना कर सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सहजनवा में संतोष उर्फ भुल्लर निवासी घगसरा की हिस्ट्री शीट खोली गई है। ये अपराधी शातिर अपराधी है, इसके विरुद्ध 8 मुकदमे पंजीकृत हैं। इसकी हिस्ट्री शीट खोलकर इसकी लगातार निगरानी की जाएगी और इसके क्रियाकलापों पर लगातार दृष्टि रखी जाएगी। राजघाट थाने की पुलिस ने रजिस्टर्ड कंपनी बनाकर 10 करोड़ से अधिक रुपए हड़पने वाली शातिर अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेसवार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्ता को टीपी नगर चौराहे से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान आफरीन बानो पुत्री नासिर हुसैन निवासी राम जानकी नगर वार्ड नंबर 13 थाना कसिया जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है। एसपी सिटी ने बताया कि 5 जनवरी को वादनी व अन्य के लिखित तहरीर के आधार पर गलत ढंग से हजारों की संख्या में लोगों से उनकी जमा पूंजी व वेतन हड़पने वाले गिरोह के विरुद्ध थाना राजघाट पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राजघाट थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह, उप निरीक्षक दिग्विजय सिंह परमार, हेड कांस्टेबल अशोक सिंह यादव,
कांस्टेबल कुंदन कुमार, महिला कांस्टेबल अन्नू सिंह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज थाना राजघाट को एक अच्छी सफलता मिली है, जिसमें उन्होंने कई जनपदों में फ्रॉड करने वाली एक कंपनी जिसका नाम स्माइल फॉर लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन है, जिसकी स्थापना मई 2022 में हुई थी और उसकी संस्थापक जो हैं वो मिस आफरीन बानो और उसके दो साथी आर अंसारी और जी अली, इन तीन लोगों ने मिलकर इस संस्था की स्थापना की थी। इन्होंने एक स्कीम के तहत शुरू में 765 रुपया एक रजिस्ट्रेशन फीस रखा था, जिसके माध्यम से कोई भी महिला इस संस्था की सदस्य बन सकती थी। उसके बाद में उन्होंने उनको बताया कि आपको दो घंटे काम करने पर 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, जिसका अमाउंट बाद में बढ़ा के 4500 रुपये कर दिया गया और इस तरह कुल 35000 महिलाएँ इनसे जुड़ी। और इन्होंने मई महीने से लेके अगस्त तक इन्होंने पेमेंट किया है उनका, और उसके बाद में अगस्त से लेकर नवंबर महीने तक इन्होंने किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं किया और ये कंपनी यहाँ से भाग गई। यहाँ पे प्रीति सिंह नाम की महिला जिससे सभी महिलाएं जुड़ी थी, उनकी तहरीर के आधार पर शुरू में 406 का मुकदमा लिखा गया और उसके बाद में थाना राजघाट पुलिस धरपकड़ आफरीन बानो के बारे में जारी थी। कल सूचना के आधार पर फिर आफरीन बानो को गिरफ्तार किया गया है और उसने अपनी इस पूरी स्कीम के बारे में बताया है। इस प्रकार उन्होंने करोड़ों रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे लिए हैं और उससे भी ज़्यादा अमाउंट है जो इन्होंने कई लोगों का अभी तक पेमेंट नहीं किया है। रिकवरी के प्रयास किए जाएंगे, उनके सभी खाते हैं वो सीज किए जाएंगे और एक ये गैंग बना के कार्य करते थे, उन पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी ये आफरीन बानो गिरफ्तार हुई है, उसके अन्य साथियों की भी गिरफ्तार की जाएगी और गिरफ्तारी करने के बाद में आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। टोटल ठगी ये 10 करोड़ से ज़्यादा की ठगी है, क्योंकि इन्होंने ना तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो रिटर्न किया है, ना ही इन्होंने लोगों का जो मजदूरी है ना ही उसका पेमेंट किया। थैंक यू। शासन के निर्देश के क्रम में सड़क सुरक्षा माह के दृष्टिगत सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु शहर क्षेत्र में चेकिंग अभियान हेतु 5 टीमें गठित कर क्षेत्राधिकारी यातायात जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में वाहनों की चेकिंग कराई गई, जिसमें निरीक्षक यातायात धर्मेंद्र कुमार सिंह नौसर चौराहा, निरीक्षक यातायात अजीत कुमार पांडे पैडलीगंज चौराहा, TSI राम वृक्ष यादव मोहद्दीपुर, TSI संजय कुशवाहा इंदल राम आजाद चौक, TSI जितेंद्र मिश्रा, ब्रिजेश कुमार सरोज हर्बर्ट बंधा द्वारा वाहन चला रहे चालकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया। इसी क्रम में बिना नंबर प्लेट, बिना DL, दोपहिया वाहन पर बिना हेलमेट, दोपहिया वाहन पर 3 सवारी, 4 पहिया वाहन चालक द्वारा सीट बेल्ट ना लगाना, प्रेशर हॉर्न, हुटर, सायरन तथा अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई की गई। चेकिंग अभियान के अंतर्गत कुल 299 वाहनों का MV एक्ट के अंतर्गत नियमानुसार चालान की कार्रवाई की गई, जिसमें प्रेशर हॉर्न, हुटर, सायरन लगाए 11 वाहनों का चालान किया गया। यह कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। प्रयागराज में 21 जनवरी
जनवरी को लगने वाले माघ मेला में संगम तट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि लोगों की सुविधा के लिए 20 जनवरी को गोरखपुर और भचनी से प्रयागराज रामबाग के बीच दो जोड़ी माघ मेला स्पेशल पैसेंजर रेलगाड़ी चलाई जाएगी, जिसके संबंध में CPRO पंकज कुमार सिंह ने बताया कि 05115 नंबर की गाड़ी गोरखपुर प्रयागराज रामबाग पैसेंजर स्पेशल 20 जनवरी को शाम 4 बजे से प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन चौरी चौरा, देवरिया, भटनी, सलेमपुर होते हुए बनारस के रास्ते भोर में 2 बजे प्रयागराज रामबाग पहुंचेगी। वहीं 05116 नंबर की गाड़ी प्रयागराज रामबाग गोरखपुर पैसेंजर स्पेशल 21 जनवरी को रात 8 बजे से प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन झूसी हंडिया ज्ञानपुर रोड माधव सिंह के रास्ते बनारस भटनी और देवरिया होते हुए दूसरे दिन सुबह 5:10 पर गोरखपुर पहुंचेगी। 05113 नंबर की गाड़ी भटनी प्रयागराज रामबाग पैसेंजर स्पेशल 20 जनवरी को रात 8:45 पर प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन सलेमपुर बेलथरा रोड मऊ के रास्ते बनारस होते हुए भोर में 3:25 पर प्रयागराज रामबाग पहुंचेगी तथा 05114 की गाड़ी प्रयागराज रामबाग भटनी पैसेंजर स्पेशल 21 जनवरी को सुबह 9:20 पर प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन झूसी हंडिया खास ज्ञानपुर रोड माधव सिंह के रास्ते बनारस होते हुए दोपहर 3:30 भटनी पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि जो ट्रेन बनारस से रामबाग प्रयागराज के लिए 20 और 25 जनवरी तथा 4 फरवरी एवं 17 फरवरी को चलेगी तथा वापसी में 21 और 26 जनवरी और 5 और 18 फरवरी को प्रयागराज रामबाग से चलेगी। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि जब भी स्टेशन पर जाएं तो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करें और किसी अफवाह पर ध्यान ना दें। रेलवे के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज कुमार सिंह ने कहा, जो श्रद्धालु यहाँ से स्नान करने प्रयागराज जाते हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। बनारस से 2 जोड़ी ट्रेनें चलाई गई हैं बनारस से रामबाग प्रयागराज के लिए। मैं डेट्स बता देता हूँ आपको, जो बनारस से चलेगी वो 20 और 25 जनवरी तथा 4 फरवरी एवं 17 फरवरी को चलेगी। सिमिलरली वापसी यात्रा में जो है 21 और 26 जनवरी तथा 5 और 18 फरवरी को प्रयागराज रामबाग से चलेंगी ये ट्रेनें। इसी प्रकार से जो है एक और दूसरी जोड़ी जो ट्रेन चलाई गई है, नंबर बता देता हूँ, 05111 प्रयागराज रामबाग बनारस टू प्रयागराज रामबाग अनारक्षित मेला विशेष गाड़ी, ये 21 और 26 जनवरी तथा 5 और 18 फरवरी को चलाई जाएगी। और 05112 प्रयागराज रामबाग बनारस अनारक्षित मेला विशेष गाड़ी, ये 21 एवं 26 जनवरी को तथा 5 एवं 18 फरवरी को वापसी यात्रा में प्रयागराज रामबाग से बनारस स्टेशन के लिए आएगी। इसी प्रकार गोरखपुर से जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी गोरखपुर और प्रयागराज के बीच में अनारक्षित मेला विशेष गाड़ी चलाई जा रही है, जो कि 20 जनवरी को गोरखपुर से प्रस्थान करेगी और यहां से सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर होते हुए ये प्रयागराज रामबाग पहुँचेगी। सिमिलरली वापसी यात्रा में यह ट्रेन 05116 प्रयागराज रामबाग गोरखपुर 21 जनवरी को प्रयागराज रामबाग से प्रस्थान करेगी, 20 बजे प्रस्थान करेगी वहां से,
झूसी हंडिया खास ज्ञानपुर रोड माधव सिंह बनारस वाराणसी वाराणसी सिटी सारनाथ अवड़िहार सादात जखनिया दुल्लापुर मऊ इंदारा किड़हरापुर बलथरा रोड सलेमपुर भटनी देवरिया सदर चौरी चौरा होते हुए यह गाड़ी सुबह 5:10 पर गोरखपुर पहुंचेगी। इस गाड़ी में सामान्य द्वितीय श्रेणी के 10 और SLR के 2 के कोच लगाए जाएंगे। टोटल 12 कोच इसमें लगेंगे। तो जो श्रद्धालु जाना चाहते हैं वो 20 जनवरी को शाम को 4 बजे वो गाड़ी यहाँ से प्रस्थान करेगी और वापसी यात्रा में 21 जनवरी को वहाँ से 20 बजे यानी कि रात को 8 बजे। इसी प्रकार से भटनी से प्रयागराज रामबाग के लिए भी एक अनारक्षित मेला विशेष गाड़ी चलाई जा रही है 05113। ये 20 जनवरी को भटनी से 20:45 पर प्रस्थान करेगी और प्रमुख स्टेशनों पर रुकते हुए प्रयागराज रामबाग सुबह 3:25 पर पहुंचेगी। वापसी यात्रा में यह ट्रेन 05114 प्रयागराज रामबाग भटनी अनारक्षित मेला विशेष गाड़ी 21 जनवरी को प्रयागराज रामबाग से सुबह 9:20 पर प्रस्थान करेगी और भटनी 15:30 पर पहुंचेगी। इस गाड़ी में भी सामान्य द्वितीय श्रेणी के 10 और SLR के 2 समेत कुल 12 कोच लगाए जाएंगे। जो श्रद्धालु ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं या करेंगे उनसे अपील रेलवे करता है कि जब भी स्टेशन पर जाएं तो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए हमेशा FOB का प्रयोग करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। रेलवे ने समुचित व्यवस्था की हुई है कि जहां से श्रद्धालु को जो यात्री पूछताछ है या जो रेलवे के स्टाफ हैं रेलवे के जवान हैं उनको लगाया गया है। तो कभी भी जब ऐसी स्थिति में जाएं तो किसी भी हालत में अफवाह पर ध्यान ना दें और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए FOB का प्रयोग करें। ट्रैक को ट्रेसपास कहीं से ना करें। कई बार ऐसा हम लोग देखते हैं कि ट्रैक के किनारे से कुछ लोग चलते हुए आते हैं मेले के दौरान और जो कि बहुत ही गलत है और बहुत असुरक्षित है। तो इसलिए हम सभी श्रद्धालुओं से रेलवे अपील करता है कि आप सभी जो है सुरक्षित रहें और रेलवे की जो पटरी है उससे दूरी बनाकर रखें और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए FOB का प्रयोग करें। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बैंकों के ATM से धोखाधड़ी कर पैसा निकालने के आरोप में 2 अभियुक्तों विजय यादव और फैज खान को CCTV के आधार पर राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 71,000 चोरी के नगद रुपए, 10 ATM कार्ड, 2 मोबाइल फोन, 1 चार पहिया वाहन, 1 दो पहिया वाहन किया बरामद। SP सिटी ने किया खुलासा। संतोष उर्फ सत्येंद्र की सहजनवा थाने की पुलिस ने ए प्रकार की खोली हिस्ट्री सीट। 8 से ज्यादा थे मुकदमे पंजीकृत की जाएगी आपराधिक गतिविधियों पर निगरानी। SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। रजिस्टर्ड कंपनी बनाकर 10 करोड़ से अधिक रुपए को हड़पने वाली शातिर अभियुक्ता को राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। SP सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया खुलासा। सुरक्षा माह के अंतर्गत ट्रैफिक विभाग द्वारा चलाया गया ट्रैफिक जागरूकता अभियान। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 299 वाहनों का किया गया चालान जिसमें प्रेशर हॉर्न हूटर और सायरन लगे 11 वाहन भी रहे शामिल। जनवरी को लगने वाले मौनी अमावस्या में संगम तट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे की तैयारी हुई पूरी। चलाई जाएगी 2 जोड़ी माघ मेला स्पेशल पैसेंजर ट्रेन। CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। शहर व ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों की PRD में भर्ती के लिए प्रांतीय रक्षक दल संगठन द्वारा विकास भवन में 13 जनवरी से दिया जा रहा है फॉर्म। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 24 जनवरी। शहर में 62 व ग्रामीण क्षेत्रों में 50 सीटों पर होगी भर्ती। माघ मेला के दौरान संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन निगम ने भी कसी कमर। 27 जनवरी तक चलाई जाएगी 380 विशेष बसें। गोरखपुर सहित 6 स्टेशनों का आगामी 40 से 50 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है रीडेवलपमेंट।
गोंडा, छपरा, गोरखपुर, गोमती नगर, लखनऊ और काठगोदाम रेलवे स्टेशन है शामिल पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, कार्यदायी एजेंसी अगले सप्ताह महाप्रबंधक व अन्य अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करेगी मॉडल व डिजाइन। बुधवार को अभियान चलाकर हटाए गए बांसफोड़ों ने गुरुवार को सड़क के किनारे दोबारा दुकान लगाकर किया अतिक्रमण। गोरखपुर न्यूज के कैमरे में हुए कैद पुलिस व नगर निगम के अधिकारियों ने साधी चुप्पी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रांतीय रक्षक दल संगठन के द्वारा शहर व ग्रामीण के जवानों की पीआरडी में भर्ती के लिए विकास भवन में 13 जनवरी से फॉर्म दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पीआरडी भर्ती के लिए 50 सीटें हैं और शहर में 62 सीटों पर भर्ती होने जा रही है, जिसका फॉर्म भरा जा रहा है, जिसका 13 जनवरी से 24 जनवरी तक विकास भवन से फॉर्म दिया जा रहा है और 20 जनवरी से 24 जनवरी तक फॉर्म जमा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी फॉर्म जमा होने के बाद प्रतिसाद निरीक्षक के द्वारा आवेदनकर्ताओं का फिटनेस चेक किया जाएगा, उसके बाद 45 दिन की ट्रेनिंग होगी, जिसके बाद भर्ती होगी। उन्होंने बताया कि अभी तक ग्रामीण क्षेत्र से 7000 फॉर्म दिया गया है और शहरी क्षेत्र से 500 फॉर्म दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जंगल कौड़िया की क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी रूबी तिवारी ने कहा, फॉर्म लीजिए, फॉर्म लेके हम लोग खड़े हैं, आपकी सहयोग कीजिएगा, आपकी दृष्टिता की पूजा कीजिएगा, बहुत धन्यवाद। नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा, सारी फॉर्मेलिटी सही से भरनी है, कोई कहीं का दिक्कत मत करिएगा। इसमें लिखा है तो थोड़ा पढ़ लीजिए आप, पहले पढ़िए उसके बाद भरिए, साफ सुथरा स्वच्छ भरिए, देखिए जिनका जिनके नाम से फार्म भरा जाएगा फार्म वही भरेगा, जहाँ आधार कार्ड सब कुछ लगेगा, आपका सारा डॉक्यूमेंट यहाँ लिखा हुआ है। शपथ का भी घोषणा कर मेरा नाम रूबी तिवारी है, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी जंगल कौड़िया और इस समय मैं डीओ सर के प्रभार पर हूँ। जी पीआरडी भर्ती की प्रक्रिया में ग्रामीण कंपनी से 50 सीटें हैं और सिटी कंपनी से 62 सीटें हैं और ये फॉर्म मिल रहा है 13 जनवरी से 24 जनवरी तक मिलेगा और 20 जनवरी से 24 जनवरी तक आवेदन पत्र जमा करने का समय है। ज्वाइनिंग का तो देखिए जब आवेदन पत्र जमा हो जाएगा उसके बाद उनका सारा जो फॉर्म जमा होगा उसका प्रतिसार निरीक्षक के थ्रू लंबाई वगैरह चेक होगा और उसके बाद उनका 45 दिन की ट्रेनिंग होगी निदेशालय पर या जहां भी निदेशालय से आएगा, मंडल वाइज होगा तो मंडल वाइज वरना निदेशालय पर लखनऊ में, और उसके बाद इनकी भर्ती होगी 45 दिन के बाद। अभी तक कितने फॉर्म ग्रामीण कंपनी से जो फॉर्म गए हैं वो 7000 कुछ गए हैं और सिटी कंपनी से हमारे 500 तक गए हैं। माघ मेला के दौरान संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन निगम ने गोरखपुर रीजन से माघ मेला विशेष बसों का संचालन किया है। आपको बता दें कि जिसमें परिक्षेत्र से कुल 8 डिपो के 23 बस स्टेशनों से प्रयागराज के लिए 18 से 27 जनवरी तक 380 विशेष बसें चलाई जाएंगी। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो इन बसों पर पहचान के लिए मेला स्टिकर भी लगाए गए हैं तथा सुचारू व्यवस्था के लिए मेला प्रभारी भी बनाए गए।
गए हैं। इसके साथ साथ कंट्रोल रूम की भी स्थापना की गई है तथा बसों के खराब होने की स्थिति में मरम्मत के लिए मोबाइल बस का भी इंतजाम किया गया है ताकि श्रद्धालु समय से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। आपको बता दें कि गोरखपुर से 70, राप्ती नगर से 64, देवरिया से 50, बस्ती से 80, महाराजगंज से 35, सिद्धार्थनगर से 35, सनौली से 30 और पडरौना डिपो से 16 बसें चलाई जाएंगी। संगम स्नान हेतु जाने वाले तीर्थयात्री बंधु, आपके लिए कचहरी बस स्टेशन पर पर्याप्त गाड़ियां लगी हुई हैं, गाड़ियों का भी नहीं होगी और परिवार के हम आपके यात्रा ये मांग कर यात्रा मंगलमय हो, आप पहुंचे सुरक्षित लौटे, ये हमारी कामना है। आपको धीरे बनाया गया, गाड़ी में गाड़ी मिलेगी, देर से गाड़ी मिलती रहेगी आपको और गाड़ी बैठी और संगम पहुँची। आप सुबह शाम हो जाने वाले तीर्थयात्री बंधु, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ऐसी कामना है। आप सुरक्षित पहुँचे और सुरक्षित कामना गोरखपुर सहित 6 स्टेशनों को विकसित किया जाएगा, जिसके संबंध में सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के 6 स्टेशन रीडेवलपमेंट के लिए चिन्हित किए गए हैं, जिसमें गोंडा, छपरा, गोरखपुर, गोमती नगर, लखनऊ और काठगोदाम रेलवे स्टेशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर और गोंडा स्टेशन को सेंटर ऑफ सिटी बनाने के लिए भवन के नए ढांचे का मॉडल तैयार हो गया है। गोरखपुर स्टेशन के भवन पर गोरखनाथ मंदिर व गीता प्रेस का आकृति दिखाई देगी। एजेंसी अगले सप्ताह महाप्रबंधक व अन्य अधिकारियों के सामने मॉडल व डिजाइन प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि मॉडल प्रस्तुत करने के बाद एजेंसी जंक्शन के नए स्वरूप का खाका और उसके निर्माण में आने वाले खर्च का ब्यौरा भी देगी। इसके बाद पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन रिपोर्ट को रेलवे बोर्ड के पास मंजूरी के लिए भेजेगा तथा विकसित होने के बाद स्टेशनों के रूफ प्लाजा में फूड कोर्ट, वेटिंग लाउंज, बच्चों के खेलने की जगह के साथ ही स्थानीय उत्पादों की दुकानें भी होंगी। मेट्रो सेवा, सिटी बस और यातायात के अन्य साधन जंक्शन के पास उपलब्ध होंगे। इन स्टेशनों का विकास आगामी 40 से 50 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, रेलवे पर स्टेशनों की रीडेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के कुल 6 स्टेशन ऐसे हैं जो रीडेवलपमेंट के लिए चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से गोरखपुर, गोंडा, छपरा, गोमती नगर, लखनऊ जंक्शन और काठगोदाम रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों को एक नया स्वरूप प्रदान करना है और इनकी जो डिजाइन की जा रही है वो आने वाले 40-50 साल की जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया जा रहा है। इसमें स्टेशन को सिटी सेंटर के तौर पे डेवलप किया जाएगा, जिससे स्टेशन लोगों के जोड़ने की जगह बने और जो अभी वर्तमान स्वरूप है स्टेशन का वो एक बहुत ही नए रूप में दिखेगा। ढेर सारी नई फैसिलिटीज वहाँ पे आएंगी, एक भव्य सेकेंड एंट्री होगी, रूफ प्लाजा होगा जहाँ से डायरेक्टली यात्री जो है प्लेटफॉर्म पे जा सकेंगे। साथ ही साथ स्टेशन पे आवश्यकता की हर तरह की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल्स, ये सारी चीज़ों का भी प्लान किया जाएगा। इसके लिए एक कंसल्टेंट नियुक्त किया है जो कि इसका डिजाइन
तैयार कर रहा है। इसमें जो सर्वे का कार्य है वो प्रीलिमिनरी सर्वे का प्रारंभिक सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके बाद स्टेशन कैसा दिखेगा इसका एक स्वरूप के साथ वो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुति देंगे, जिसका फाइनलाइजेशन होने के बाद वो स्टेशन का स्वरूप हम लोग गोरखपुर वासियों के सामने लेकर आएंगे और फिर अकॉर्डिंगली उस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। सर कुछ आकृति भी दिखा देंगे जब भी हम बहुत बड़ा चूंकि एक सेटअप बना रहे हैं, बहुत बड़ा स्टेशन डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें जो स्थानीय चीज़ें हैं गोरखपुर की उसका अक्ष कहीं ना कहीं जरूर रहेगा, जिससे ये पता चले स्टेशन को देख के कि वो कहाँ का स्टेशन। जनपद में नगर निगम के द्वारा बैंक रोड स्थित सड़क के किनारे अवैध अतिक्रमण किए हुए बांसफोड़ों को प्रवर्तन दल की टीम व कोतवाली पुलिस ने अभियान चलाकर बुधवार को हटाया था, लेकिन फिर दोबारा गुरुवार को जब गोरखपुर न्यूज के द्वारा जांच की गई तो बांसफोड़ दोबारा सड़क के किनारे दुकान लगाकर अतिक्रमण करते हुए नजर आए। नगर निगम व कोतवाली पुलिस लगातार अभियान चलाकर सड़क को अतिक्रमण मुक्त करा रही है, लेकिन ऐसे बांसफोड़ लोग सड़क किनारे अतिक्रमण करके गोरखपुर शहर की छवि खराब कर रहे हैं। बार बार पुलिस हटाती है और यह लोग दोबारा अतिक्रमण कर लेते हैं, जबकि प्रशासन द्वारा इनको रहने के लिए आवास की भी सुविधा मुहैया कराई गई है। जब दोबारा इस संबंध में नगर निगम के अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो कोई भी अधिकारी प्रकरण पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब देखना होगा कि पुलिस व नगर निगम प्रवर्तन दल की टीम आगे क्या कार्रवाई करती है। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बैंकों के एटीएम से धोखाधड़ी कर पैसा निकालने के आरोप में दो अभियुक्तों विजय यादव और फैज खान को सीसीटीवी के आधार पर राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 71,000 चोरी के नगद रुपए, 10 एटीएम कार्ड, 2 मोबाइल फोन, 1 चार पहिया वाहन, 1 दो पहिया वाहन किया बरामद। एसपी सिटी ने किया खुलासा। संतोष उर्फ सत्येंद्र की सहजनवा थाने की पुलिस ने ए प्रकार की खोली हिस्ट्री सीट, 8 से ज्यादा थे मुकदमे पंजीकृत की जाएगी आपराधिक गतिविधियों पर निगरानी। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। रजिस्टर्ड कंपनी बनाकर 10 करोड़ से अधिक रुपए को हड़पने वाले शातिर अभियुक्ता को राजघाट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने किया खुलासा। सुरक्षा माह के अंतर्गत ट्रैफिक विभाग द्वारा चलाया गया ट्रैफिक जागरूकता अभियान, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 299 वाहनों का किया गया चालान, जिसमें प्रेशर हॉर्न, हूटर और सायरन लगे 11 वाहन भी रहे शामिल। जनवरी को लगने वाले मौनी अमावस्या में संगम तट पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे की तैयारी हुई पूरी। चलाई जाएगी 2 जोड़ी माघ मेला स्पेशल पैसेंजर ट्रेन। सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। शहर व ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों की पीआरडी में भर्ती के लिए प्रांतीय रक्षक दल संगठन द्वारा विकास भवन में 13 जनवरी से दिया जा रहा है फॉर्म। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 24 जनवरी। शहर में 62 व ग्रामीण क्षेत्रों में 50 सीटों पर होगी भर्ती। माघ मेला के दौरान संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन निगम ने भी कसी कमर। 27 जनवरी तक चलाई जाएगी 380 विशेष बसें। गोरखपुर सहित 6 स्टेशनों का आगामी 40 से 50 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है रीडेवलपमेंट। गोंडा, छपरा, गोरखपुर, गोमती नगर, लखनऊ और काठगोदाम रेलवे स्टेशन है शामिल। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, कार्यदायी एजेंसी अगले सप्ताह महाप्रबंधक व अन्य अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करेगी मॉडल व डिजाइन। और
सोमवार को अभियान चलाकर हटाए गए बांसफोड़ों ने गुरुवार को सड़क के किनारे दोबारा दुकान लगाकर किया अतिक्रमण। गोरखपुर न्यूज के कैमरे में हुए कैद पुलिस व नगर निगम के अधिकारियों ने साधी चुप्पी। अब मुझे दे इजाजत, नमस्कार।